हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं वर्थ स्पेशल समा के चावल का पुलाव, जिसमें हम ऐड करेंगे पनीर और इसको आप खा सकते हैं सब्जी के साथ भी, प्लेन कर्ड के साथ भी या फिर रायते के साथ, जैसा भी आपको पसंद हो। तो चलिए बनाते हैं पुलाव। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए समा के चावल 1 कटोरी, काली मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा और नमक अपने स्वाद के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेस्ट और पनीर। सबसे पहले हम समा के चावल को अच्छे से वॉश कर लेते हैं, ये सारा सामान कर देते हैं साइड पर। और समा के चावल का जो पुलाव है वो बहुत ही कम चिकनाई में बन जाता है, इसलिए ये हम वर्थ में आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि फास्ट में मोस्टली ज़्यादा ऑयली हो जाता है और इसका जो पुलाव है वो बहुत ही टेस्टी भी बनता है। इसको अच्छे से हमने एक बार कर लिया वॉश, अब एक बार हम इसको दोबारा कर लेते हैं। और पनीर की जगह आप आलू का भी यूज़ कर सकते हैं। और अभी हम इसके अंदर साबुत हरी मिर्च डालेंगे, जो अभी आपको नहीं दिख रही, पर अभी मैं डालूंगी तो मैं आपको बता दूंगी। और ये हमने कर लिए हैं समा के चावल को वॉश अच्छे से, और उसको रखते हैं साइड पर। अब हम ले लेते हैं एक कुकर और उसको हमें करना है अच्छे से गर्म, और उसके अंदर अब हम डाल देंगे रिफाइंड। ये मैंने रिफाइंड का यूज़ करा है, इसमें देसी घी नहीं डाला, क्योंकि देसी घी जम जाएगा राइस के अंदर इसीलिए। और जो हमने पनीर लिया था उसको अब हम कर लेते हैं डीप फ्राई, इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा पनीर में। और जब पनीर में अच्छा होगा तो पुलाव तो ऑटोमेटिकली टेस्टी बनने वाला है। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है कुछ इस तरह से, और अभी हो चुका है तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट से पनीर लीजिए, कट करिए और इसको फ्राई कर लीजिए। और अगर आप आलू का यूज़ कर रहे हैं तो आपको कच्चे आलू कट करने हैं, पहले वॉश कर लीजिए, कट कर लीजिए, उसके बाद फ्राई कर लीजिए। और उसी चिकनाई में हम डालेंगे जीरा, क्योंकि अभी हमने इसके अंदर पनीर फ्राई करा था, वही वाला हमने ऑयल जो है वो यूज़ कर लिया है। जीरा डालने के बाद हमने डाली है हरी मिर्च, काली मिर्च। हरी मिर्च जब भी डालेंगे उसमें थोड़ा सा कट लगा लीजिए। और सॉल्ट मैंने पहले ही निकाल के रखा था, वही मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब हम कर देते हैं इसको अच्छे से मिक्स। और अब हम इसके अंदर डालेंगे समा के चावल जो हमने वॉश कर रखे थे। समा के चावल को भिगोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, जितने समा के चावल आप लेंगे उसी सेम क्वांटिटी में आप इसके अंदर डालेंगे वाटर। ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हलवा हो जाएगा, लेकिन हमें इसको बनाना है खिलमा, तो इसीलिए पानी की क्वांटिटी का थोड़ा सा ध्यान रखिए, जितने चावल हैं सेम क्वांटिटी में जाएगा पानी। और उसके बाद अब हम डाल देते हैं फ्राई करा हुआ पनीर, और उसके बाद इन सबको कर देते हैं हम एक बार अच्छे से मिक्स। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हमने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला। इसमें डाला है जीरा, काली मिर्च, सेंधा नमक, हरी मिर्च और पनीर, और इसके बाद पानी। और इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसमें लगा देते हैं ढक्कन कुकर का, और इसमें 1 सीटी आएगी और वो आ चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं चेक। जो समा के चावल का पुलाव है पनीर वाला, वो हो चुका है रेडी। ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से बन चुका है, अब टाइम है इसको सर्व करने का। और हरी मिर्च हमने साबुत इसलिए डाली है, जिसको पसंद है वो खाइए और जिसको नहीं पसंद वो उसको साइड पे निकाल सकते हैं, अगर हम चॉप करके करेंगे तो वो आप नहीं कर सकते साइड पर। अब हम सर्व करने से पहले बना लेते हैं एक सिंपल सा टेस्टी सा रायता, क्योंकि अगर आप खाली पुलाव खाएंगे तो आपसे खाया नहीं जाएगा। तो कढ़ाई लेने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कटोरी मखाने। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं वर्थ स्पेशल मखाने का रायता। और इसको अब हम कर लेते हैं सिम गैस पर थोड़ा सा रोस्ट। और अगर आप खाना चाहें तो आप प्लेन कट भी खा सकते हैं। ये हो चुके हैं रोस्ट, अब हम इसके अंदर 1 कटोरे के अंदर ले लेते हैं दही। दही आप घर में भी जमा कर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने बाजार वाली ली है। और इसको हम अच्छे से कर देते हैं अभी। और ये जो पुलाव है वो बहुत ही टेस्टी लगता है रायते के साथ, तो मोस्टली हम इसको रायते के साथ ही खाते हैं, इसीलिए मैंने आपके साथ उसी रायते की रेसिपी करी है शेयर। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं काली मिर्च। काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम रखेंगे, क्योंकि हमने पुलाव में भी हरी मिर्च और काली मिर्च दोनों का यूज़ करा है। सॉल्ट भी रायते में थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि हमने पुलाव में बिल्कुल परफेक्ट सॉल्ट डाला है। और उसके बाद भुना हुआ जीरा, और इसको कर देते हैं हम अच्छे से मिक्स। मिक्स करने के बाद
अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं। और पानी डालने के बाद इसको कर देते हैं एक बार मिक्स अच्छे से। और अब हमारा जो रायता है वो हो चुका है ऑलमोस्ट डन। और अब हम इसमें से एक कटोरी निकाल लेते हैं अलग। ये देखिए, ये हमने निकाल लिया, क्योंकि सेम रायता सब नहीं खाते तो मुझे अलग अलग तरीके से बनाना पड़ता है, सबकी अलग अलग चॉइस है। और इसके अंदर अब हम डाल देते हैं मखाने जो हमने अच्छे से रोस्ट करे थे, ड्राई रोस्ट करे थे। उसमें कोई देसी घी या बटर का यूज़, बटर तो फास्ट में हम खा ही नहीं सकते, देसी घी का यूज़ नहीं करा। और इस तरह से जो हमारा मखाने वाला रायता है वो हो चुका है रेडी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे जीरा और बिल्कुल हो चुका है रेडी। अब टाइम है फाइनल प्लेटिंग का। हम ले लेते हैं एक प्लेट और उसके अंदर हमने रख दिया ये मखाने वाला रायता। और इसको अब हम कर देते हैं थोड़ा सा मिक्स, अगर आप करना चाहें, जिससे जो मखाने वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और मखानों को हैंड टू हैंड डालेंगे तो उनका जो क्रंच है वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हो चुका हमारा मखाने वाला रायता बिल्कुल रेडी। और अब हम इस प्लेट के अंदर करते हैं पुलाव, जो हमने बनाए थे समा के चावल के पनीर वाले, वो भी हमने इसके अंदर कर दिए। और रायते को कर देते हैं थोड़ा सा धनिए के साथ गार्निश, और थोड़ा सा पुलाव को भी। धनिए से टेस्ट भी अच्छा आता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ अब हम सर्व करते हैं आलू की वर्द वाली सब्जी। तो आप इसको दो तरह से खा सकते हैं, आप वर्द वाले आलू की सब्जी के साथ भी इस पुलाव को खा सकते हैं और रायते के साथ भी। तो ये आप बहुत ही बेटर ऑप्शन है, जैसे भी आप खाना चाहें। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, क्विक रेसिपी है पुलाव। और अगर आप दोनों के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे सिंपल भी खा सकते हैं, ये वैसे भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आज की व्रत की स्पेशल रेसिपी होते हैं यहाँ पर कम्प्लीट। वीडियो और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंजॉय व्रत स्पेशल समा के पनीर वाले पुलाव। एंजॉय। हैप्पी नवरात्रि।